Our today's project, Trishla City, is located in the lap of nature in Zirakpur. So hey everyone, welcome back to our channel, Tri-City Property Guru. मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम एंड आज आपको लेकर आई हूं जिरकपुर में, जहां पे आज मैं आपको चेकआउट करवाऊंगी आज का हमारा प्रोजेक्ट त्रिशला सिटी, जो कनेक्टेड रहेगा पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ, जहां से आप कहीं के लिए भी इजीली हेड कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस की बात करूंगी तो सारी चीज़ें आपको यहां पे नियर बाय में मिल जाएंगी। स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, आपके एंटरटेनमेंट जोन, सब आपको यहां पे नियर बाय में मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो हाई ग्राउंड रोड पर आपका ये प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ आर प्रोजेक्ट, एंट्री एंड एग्जिट गेट रहेगा विद 7-tier सिक्योरिटी सिस्टम। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर एंड बाकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगी। उससे पहले आप एंजॉय कीजिए कुछ ग्लिम्प्स। प्रोजेक्ट त्रिशला सिटी इज़ अ कम्प्लीट 16 एकर्स टाउनशिप, जिसमें आपको बहुत सारे अम्यूनिटीज़ तो मिल ही रही हैं, साथ में आपको मल्टीपल यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जैसे आप मेन एंट्री से एंटर करेंगे, इस साइड रहने वाले हैं आपके सारे कमर्शियल स्पेसेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका मेडिकल शॉप यहाँ पे है, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको प्रोजेक्ट में शॉपिंग भी करनी है वो भी आप अंदर ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री एम्बुलेंस सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर उस साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी ग्रॉसरी एक्सेट्रा की, जहाँ पे आपका जितना भी डेली नीड्स की आइटम होती है वो आप वहाँ पे शॉप कर सकते हो। पर्टिकुलर आपका सारा शॉप्स आ जाएंगी, बाबर शॉप एक्सेट्रा, सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब आते हैं एमिनिटीज़ के ऊपर कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आपका 1.5 एकड़ का काफ़ी बड़ा यहाँ पर पार्क रहने वाला है, जिसमें आपकी डिफरेंट एमिनिटीज़ आएंगी। आइए वो भी आपको दिखा देती हूँ साथ साथ में। सो गाइज, पीछे आप पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट देख सकते हैं, ये आपके कंप्लीट टावर्स आ जाएंगे। कंप्लीट यहाँ पे 14 टावर्स आपके रहने वाले हैं। मैं खड़ी हूँ अभी प्रोजेक्ट के सेंट्रलाइज्ड पार्क में, जो आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा आपका ग्रीन स्पेस आ जाएगा। सिटिंग के लिए स्पेसेस आपके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे आपको ये ओपन थिएटर स्क्रीन भी मिल जाएगी, जो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किड्स प्ले एरियाज़ आपके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। एंड मेरे पीछे वहाँ पे जो देख रहे हैं आप, वो आपका क्लब हाउस आ जाएगा, जिसमें आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं, लाइक योर जिमनेजियम, योर पार्टी हॉल, मेडिटेशन एरिया, योर योगा एरिया, आपके इंडोर गेम्स रहने वाले हैं काफ़ी सारे। एंड इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके ओपन स्पोर्ट्स के प्लेसेस आ जाएंगे, जैसे कि आपका क्रिकेट पिच, योर बास्केटबॉल कोर्ट एक्सेट्रा। एंड आपके क्लब हाउस के बिल्कुल ठीक बाहर वहाँ पे आपका स्विमिंग पूल भी रहने वाला है। आइए दिखाती हूँ नज़दीक से। सो गाइज, ये रहने वाला है बिल्कुल आपके क्लब हाउस के बाहर, यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल। दो सेक्शंस हैं, एडल्ट का अलग है, बच्चों का किड्स के लिए अलग आ जाएगा, ताकि वो भी इंजॉय कर पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे सिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे बैठेंगे ना, आपको एक होटल, एक रिजॉर्ट वाली फीलिंग आने वाली है इस क्लब हाउस में। एंड इस प्रोजेक्ट में आपको ऐसी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी की, तो यहाँ पे ना ग्रीनरी के ऊपर, नेचर के ऊपर बहुत ही अच्छा फोकस इन्होंने कर रखा है। प्रोजेक्ट के अंदर 22,000 प्लांटेशन इन्होंने कर रखी है। एंड आप कहीं भी देखेंगे प्रोजेक्ट में, आपको हर जगह ग्रीनरी जो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड मिलने वाली है। सो ये तो थी एमिनिटीज़ की बात, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इन्वेंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे डिफरेंट साइज़ के अंदर। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 4 कैटेगरीज मिल जाएंगी आपको 3 BHK में ही यहाँ पे, मतलब 4 साइजेस रहेंगे, जिनमें से आज जो अपार्टमेंट मैं आपको चेकआउट करवाने वाली हूँ वो है आपका 2021 स्क्वायर फीट का। तो वो आपका बिल्कुल एक्चुअल अपार्टमेंट रहने वाला है, कोई सैम्पल अपार्टमेंट नहीं है। जैसा आपको हैंडओवर होगा वैसा अपार्टमेंट दिखाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको विद द परचेज यहाँ पे, मतलब कि आप मानिए कि फुली लोडेड आपका फ्लैट रहने वाला है। तो आइए चलते हैं बिना देर के, आपको फ्लैट में लेके चलती हूँ एंड उसका टूर करवाती हूँ। आइए।
सो गाइज दिस इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल लॉबी एरिया। एक फ्लोर पे आपके चार अपार्टमेंट्स रहेंगे, दो आपके इस साइड आ जाएंगे, दो आपके इस साइड रहने वाले हैं। दो ही लिफ्ट प्रोवाइडेड रहेंगी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड, आप जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। सो आइए, यहाँ है आज का हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गाइज पहले बता देती हूँ कि ये आपका एक्चुअल अपार्टमेंट है, तो जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब जो आपको फ्लैट हैंडओवर किया जाएगा वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। स्टार्टिंग से एंट्री की ही बात कर लेते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा स्पेस आपको बाहर कॉरिडोर में ही मिल जाता है। प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे, इजीली इसको डेकोरेट कर सकते हो। एंड यहाँ आ जाएगा आपका मेन डोर। सो आप देखिए कुछ इस तरीके का आपका मेन डोर रहने वाला है। वो डिजिटल लॉक रहेगा जिसको अपने कार्ड से, की से, फिंगरप्रिंट से आप ओपन कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा रॉयल लुक का आपका आने वाला है अपार्टमेंट का। बाहर से आप देखेंगे कितना सुंदर डोर आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो आइए चलते हैं अंदर। सो गाइस इस डोर की खासियत अब मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी सिक्योरिटी के लिए। कभी भी आपको विजिट करने के लिए कोई आता है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कौन है। सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है आपके लिए। एंड डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार मैंने ये डिज़ाइन देखा है कहीं पे डोर का। सो आफ्टर दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फॉयर एरिया आ जाएगा। एंड इसी के साथ एंट्री में ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका गेस्ट बेडरूम। तो पहले यही चेकआउट कर लेते हैं, आइए। सो गाइस इस रूम में सिर्फ इन लाइट्स को छोड़ के सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। एसी भी आप ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं विद ब्यूटीफुल स्मॉल स्मॉल लाइट्स, वो भी आपके एज इट इज़ रहेंगी। डोर आपका वुडन का आ जाएगा, काफ़ी लॉन्ग है, 9 feet की हाइट रहेगी आपकी डोर की। फ्लोरिंग में सारा आपका टाइल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर रहेंगे आपकी कबर्ड्स जिसके अंदर आपका ऑटोमेशन लाइटिंग सिस्टम रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कबर्ड का साइज भी काफ़ी अच्छा है, स्लाइडिंग डोर के साथ मिल जाएंगे। लेआउट काफ़ी अच्छा है, अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट लेआउट मिल जाएगा। अंदर भी आपके कैबिनेट्स हैं डिफरेंट, ऊपर स्पेस है, एंड इस साइड आपका पूरा ओपन आ जाएगा ताकि आप डिफरेंट तरीके से अपने कपड़े मैनेज कर पाएँ। यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस आपकी बैल्कनी के लिए जो आपके ड्राइंग एरिया एंड किचन के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगी। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा वॉशरूम। सो गाइज ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन आपका एज इट इज़ रहेगा, आपको ऐसे ही मिलने वाला है वॉशरूम के साथ। आपका बाथिंग सेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। देन यहाँ पे आपकी सीट रहेगी, एंड देन यहाँ पे बेसिन एंड योर मिरर। एंड ये जो आपका मिरर है ये आपका सेल्फी मिरर है जिसकी लाइटिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये था हमारा वॉशरूम एंड आर फर्स्ट बेडरूम जो कि आपका गेस्ट बेडरूम है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम बाकी घर चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया, पूरा स्पेस देख लीजिए, ड्राइंग एंड डाइनिंग कंबाइंड रहेगा। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड यहाँ पे अपना ड्राइंग एरिया सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे सामने अपना स्क्रीन लगा सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपका मन हो, या फिर सामने भी लगा सकते हैं। सब तरफ आपको सॉकेट्स मिल जाएंगे, सब तरफ आपको स्पेसेस मिल जाएंगे जिसको आप जैसे यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स एक्सेप्ट फ्रॉम दीज लाइट्स, ये आपको नहीं मिलेंगी। ऊपर फॉल सीलिंग जो आपको छोटी छोटी लाइट्स आप देख रहे हैं ये आपको सारा एज इट इज़ मिलने वाला है। AC आपका एज इट इज़ रहेगा। फ्लोरिंग यहाँ पे भी आपको टाइल्स मिल रही हैं। एंड गाइज यहाँ पे ना टाइल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल्स मिल रही हैं, काफ़ी फिनिश लुक आ रहा है आपके पूरे ही फ्लोर का। एंड एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका पूरा ही घर है ये आपका स्मार्ट होम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐप के थ्रू भी कर सकते हो अपना जितना भी लाइटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं टच पैनल्स आपके प्रोवाइडेड हैं, तो आप लाइटिंग वगैरह यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बालकनी एरिया। डोर्स आपको मिल जाते हैं इसके साथ, एक आपका मैश डोर रहेगा एंड दूसरा जो डोर है आपका टफन ग्लास के साथ आ जाएगा जो आपका साउंड प्रूफ भी होता है। आइए सो गाइज काफ़ी बड़ी बालकनी है आपकी, ये आपका किचन का डोर है। यहाँ से शुरू होके आपके ड्राइंग एरिया को कवर करके देन योर गेस्ट बेडरूम एंड
यहाँ तक काफ़ी आगे तक आपको स्पेस मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे ना आपके टैप्स वगैरह प्रोवाइडेड रहेंगे, तो अपना वॉशिंग वगैरह का जितना भी एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली। सो एंड बालकनी की अगर साइज़ की भी बात करूँ, काफ़ी वाइड बालकनी है। इसमें अगर आप अपने सिटिंग के लिए अरेंज करना चाहें चीज़ें, झूला वगैरह लगाना चाहें, प्लांटिंग करना चाहें, छोटा मोटा गार्डन बनाना चाहें, जैसे फ्रूट्स वगैरह आपको खुद लगाने हैं और वेजिटेबल्स लगाना पसंद है, छोटी मोटी सब्जियां उगाना पसंद है, तो आप इसमें कर सकते हो। इतना ज़्यादा स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। सो ये थी हमारी बालकनी। एंड गाइस, अब हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के बाद बिल्कुल आपके डाइनिंग एरिया के सामने एडजॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा आपका किचन। गाइस, किचन से पहले ना यहाँ पे स्पेस है, तो अपना रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और बता देती हूँ कि यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं किचन में, ये सारी आपकी एज इट इज़ मिलने वाली हैं। अप्लाइंसेस की बात कर लेती हूँ, आपका चिमनी, हॉब एंड आपका माइक्रोवेव एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। कुकिंग काउंटर की बात करेंगे तो ये आपका क्वैट्स यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो आपका रस्ट फ्री, स्टेन फ्री होता है। कभी भी खाना वगैरह बनाएंगे, मसाले वगैरह का दाग इस पे नहीं लगता है, हल्दी वगैरह का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है एंड आपकी किचन को लुक भी काफ़ी अच्छा दे देती है। अपर कैबिनेट्स की बात करेंगे, विद हाइड्रोलिक ओपनर रहेंगे, अंदर आप लाइटिंग सिस्टम भी देख सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के कैबिनेट्स मिल जाएंगे। लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे, एज यू कैन सी। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपका माइक्रोवेव एज इट इज़ रहेगा, आपको विद द परचेज मिलेगा। साथ ही आपका जो ये स्पेस आप देख रहे हैं पेंट्री के लिए, ये भी आपका एज इट इज़ रहने वाला है। देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे रहेगा आपका मिनी बार, तो इस स्पेस को आप मिनी बार के तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आप बाहर नहीं रखना चाहते, अंदर रखना चाहते हैं, उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे, प्रॉपर लाइटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल बना देता है आपके किचन को। नीचे भी आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आप पूरे ही किचन को मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपने सारे सामान को। एंड द बेस्ट थिंग गाइज इज दिस, डिश वॉशर आपको मिल रहा है, मतलब बर्तन अब आपको नहीं धोने पड़ेंगे अगर आप ये अपार्टमेंट परचेज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबको ही प्रॉब्लम होती है बर्तन धोने में, मुझे भी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रिल सिंक, इन केस अगर आपको डिश वॉशर में नहीं धोने हैं तो आप यहाँ पे धो सकते हैं। यहाँ पे बर्तन नहीं धोने हैं तो अपना फ्रूट्स वगैरह, अपने वेजिटेबल्स वगैरह भी यहाँ पे आप वॉश कर सकते हैं। प्रॉपर ऊपर यहाँ पे भी आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके यहाँ पे रख सकते हो। एंड गाइज, द बेस्ट थिंग मैं बता देती हूँ आपको, कि जो आपके कैबिनेट्स हैं ना, इनमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रिमूव कर सकते हो आप इनको। जैसे आपको कोई बड़ा सामान यहाँ पे रखना है तो आप इजीली इसको हटा सकते हो एंड यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे कोई भी बड़ी आटे की बढ़नी आपको रखनी है, यहाँ पे कुछ भी वो आप रख सकते हो यहाँ पे। सो ये था हमारा किचन। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो आपका RO है एंड योर गीज़र, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, विद द परचेज आपको मिलने वाला है। अब करते हैं वेंटिलेशन की बात, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये विंडो मिल रहा है, इसमें भी आपका दोनों डोर आ जाएंगे, एक आपका टफन ग्लास के साथ है, दूसरा आपका मैश डोर भी है, इनकेस मतलब अगर आपको खोलना है फॉर द वेंटिलेशन, तो आपको दोनों ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि मक्खी मच्छर अंदर आ जाएंगे, आप मैश डोर आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। एंड दूसरी बात कि यहाँ पे भी आपका डोर आ जाता है, इसको आप ओपन कर सकते हो जब भी आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत हो, एंड क्योंकि मक्खी मच्छर तो यहाँ से भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, वो है ये मैश डोर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है एंड काफ़ी नई चीज़ देखी है मैंने इस अपार्टमेंट में, ये तो ये आपको लेडीज़ को खासकर ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइज, इसके साथ जो बालकनी अटैच है वो आपकी वही बालकनी जो मैंने आपको ड्राइंग एरिया से दिखाई थी, आपके गेस्ट बेडरूम को भी कनेक्ट करती है, तो ये वही बालकनी है। सो नाउ वी आर ऑल डन विद आवर किचन, ड्राइंग, डाइनिंग। अब चलते हैं रूम्स की तरफ। फर्स्ट बेडरूम में आपको दिखा चुकी हूँ, वहाँ पे एंट्री में है हमारा गेस्ट बेडरूम। अब चलते हैं इस साइड। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम एंड हियर कम्स योर सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के लिए यहाँ पे आपका वॉशरूम है, जिसको आप सेकेंड बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ कॉमन वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। इस पे भी आपका पार्टीशन एज इट इज़ रहेगा, गीज़र इंस्टॉल्ड है आपका, टैप्स पूरे प्रोवाइडेड रहेंगे, मतलब पूरा बाथिंग सेक्शन आपका अलग रहेगा।
देन यहाँ आ जाएगी आपकी सीट एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिन, आप देख सकते हैं जैसे, एंड यहाँ पे भी आपका मिरर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, आपका लुकिंग मिरर जो आप देख सकते हैं, लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये फोटोज खींचने के लिए भी अच्छी चीज होती है, लाइटिंग अलग अलग करके आप फोटोज खींच सकते हो। सो इसके साथ मैंने बताया था कि यहाँ पे डोर आ जाएगा जो आपके सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वहां से अगर आपको एक्सेस करना हो तो वो भी इजीली कर सकते हो। सो पहले हम सेकंड रूम चेकआउट करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको मास्टर बेडरूम। आइए। सो यहाँ है वो डोर जो जिसकी मैं बात करी थी, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो वॉशरूम के लिए। स्पेस की बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इतना कि आप अपना बेड इंस्टॉल करेंगे उसके बाद भी आपके पास वहाँ पे अपना एक चेयर या फिर काउच इंस्टॉल करने के लिए जगह बच जाएगी, साइड टेबल्स भी लगा सकते हैं। पीछे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके कबर्ड्स रहेंगे। इनर की बात करूँगी तो लेआउट काफ़ी अच्छा है, अंदर भी डिफरेंट कैबिनेट्स आ जाएंगे, लाइटिंग आपका ऑटोमेशन लगा हुआ है। अब कर लेते हैं आउटर लुक की बात। गाइस लुक एट दिस डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड आपके रूम को भी काफ़ी अच्छी लुक दे देता है। सो आपके रूम के इंटीरियर में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपको विद द परचेज मिल रही है, बाकी चीज़ें आप तो करवा ही लेंगे। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम, इसके साथ भी आपकी बालकनी कनेक्टेड है जो कि बहुत बड़ी बालकनी है, पर मैं वो दिखाऊंगी आपको मास्टर बेडरूम से। उसके पहले बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे भी फॉल सीलिंग जो आप देख रहे हैं ना विथ छोटी छोटी लाइट्स, वो आपकी एज इट इज़ रहने वाली हैं। फ्लोरिंग आपकी यहाँ पे भी पूरा टाइल वर्क रहेगा, काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल्स रहने वाली हैं। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम, अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। गाइस आई वांट टू से जस्ट वाओ, मतलब इस रूम में कोई इंटीरियर वर्क नहीं हो रखा है, कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं हो रखी है, बिल्कुल सादा रूम है जैसे कि आपको मिलना चाहिए, बट ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर एंड सोबर लग रहा है। मतलब जस्ट अगर आप अपना बेड इंस्टॉल करेंगे ना यहाँ पे लगा के, एक स्क्रीन लगा लेंगे तब भी आपका चल जाएगा, ज़्यादा डेकोरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज देखो सबसे पहले तो आपका फ्लोरिंग की बात कर लेती हूँ मैं, तो इसमें आपका कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है वाइट ब्राउन। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका अलमारी का डिज़ाइन देखिए, पहले आप कबर्ड्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं विद द ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक रूम को दे देते हैं। इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ, अंदर आप देखें कितना ब्यूटीफुल लेआउट है, ऑटोमेशन लाइटिंग रहेगी आपकी इसमें भी, अंदर आपके छोटे छोटे कैबिनेट्स आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। नीचे भी स्पेस है, बीच में भी है, ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाएगा, देख लीजिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिल रहा है मास्टर बेडरूम में, तो विद द सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे बीच में आपका मिरर आ जाएगा, अंदर स्पेस मिल जाता है स्टोरेज के लिए, एंड द बेस्ट थिंग आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे रखनी है तो। एंड नीचे भी आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं, तो अपना जितना भी मेकअप है, वैनिटी वगैरह आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉल सीलिंग आपकी विद द लाइटिंग यहाँ पे भी रहेगी, एक्सेप्ट दीज हैंगिंग लाइट्स, ये आपकी नहीं रहेंगी, ये सारा आपका एज इट इज़ रहने वाला है यहाँ पे भी। सो ये तो थी कमरे के अंदर की बात, अब हम वॉशरूम एंड बालकनी चेकआउट करेंगे, तो पहले चलते हैं वॉशरूम की तरफ, आइए। सो गाइस इसमें भी आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलने वाली हैं, मिरर आ जाएगा आपका, बेसिन का कलर आपका ब्लैक आ जाएगा, टैप्स आपके गोल्ड के आ जाएंगे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, टाइल्स आपकी ग्रे एंड ब्लैक मिक्सचर में आ जाएंगी, बीच में यहाँ पे ब्राउन भी देख सकते हैं, लिटिल लिटिल लाइट्स भी देख सकते हो, ऊपर सीलिंग पे भी आपकी लाइट्स आ जाएंगी। देन यहाँ पे रहेगी आपकी सीट एंड आपका बाथिंग सेक्शन विद दिस पार्टीशन, पूरा आपका एज इट इज़ रहने वाला है। एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका यहाँ पे विंडो रहेगा, एग्जॉस्ट आपको हर वॉशरूम में एंड किचन में मिल जाएगा। सो ये था हमारा वॉशरूम, अब बारी है हमारी बालकनी की, तो आइए चलते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको दो डोर मिल जाते हैं, एक आपका नॉर्मल डोर है विद टफन ग्लास, दूसरा आपका मैश डोर है, आइए चलते हैं बाहर। सो गाइस इस बालकनी को ना हम स्टार्टिंग से चेकआउट करेंगे, आइए। सो
सो ये था आपका सेकेंड बेडरूम जो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाहर अभी हम खड़े हैं जहाँ से उसका बैल्कनी का एंट्रेंस होता है। यहाँ से ये बैल्कनी शुरू होती है जिसमें आपको यहाँ पे एक स्टोर भी मिल जाता है। सो ये रहेगा स्टोर अगेन विद दीज ग्लास डोर्स, जहाँ पे आप अपना वो सामान रख सकते हैं घर का जो आप अंदर नहीं रखना चाहते, जैसे बॉक्सेस वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब करते हैं बालकनी की बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट का बालकनी है जहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, नीचे आपके पार्क्स आ जाएंगे, सामने आपका क्लब हाउस है, वहाँ पर आपका मेन एंट्री गेट आ जाएगा, तो यहाँ से आपको पूरा विजिबल रहने वाला है। रेलिंग की बात करेंगे तो ये आपका इसमें भी टफन ग्लास का यूज़ आ जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलिंग है। अब ये है हमारा मास्टर बेडरूम का डोर जहाँ से अभी मैंने एंटर किया था, एंड इसके बाद यहाँ तक आपकी ये बालकनी रहने वाली है। काफ़ी बड़ी बालकनी मिल रही है आपको यहाँ पे। अब करेंगे साइज़ की बात तो काफ़ी वाइड बालकनी है, मतलब कि इतना आप यहाँ पे एक छोटा मोटा ना सोफ़ा सेट कर सकते हो, लाइक सिटिंग के लिए चेयर्स टेबल्स रख सकते हो, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लांटिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, झूला लगा सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सामने बहुत सारी फैमिलीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना बालकनी जो है वो डेकोरेट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये रेडी टू मूव है। यहाँ से दिखाती हूँ आपको क्लियरली। सो ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है आपका, जैसे आप सामने देखिए कितनी सारी फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं, अपना घर सेटअप कर चुकी हैं, यहाँ पे रहना शुरू कर चुकी हैं। तो आप अगर रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी बालकनी जो आपके थर्ड बेडरूम एंड सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। इसी के साथ हमारा आज का इस एक्चुअल अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है। पूरा अपार्टमेंट जैसा मैंने आपको दिखाया है वैसा आपको पूरा मिलने वाला है। तो आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है, आप परचेज करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सुंदर से घर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।